अच्छा तो बॉयज एंड गर्ल्स, तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई गलीज डिजिटल ट्रिलॉजी मोबाइल एडिशन और यार एक नई मोबाइल गेम के बारे में, जो कि यार आप लोगों को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर देगी। और उसी के साथ साथ यार आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज भी है मुंबई गलीज को लेकर यार, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में आगे जाकर पता चलेगा। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो और अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो बस सीरियस मान लो, पॉपकॉर्न पकड़ लो और हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यार मुंबई गलीज, जिसको यार पहले डिवेलप किया जा रहा था अनरियल इंजन 4 के अंदर और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया अनरियल इंजन 5 में। और उसके साथ साथ हमें इस बात का पता कि भाई मुंबई गलीज के दो वर्जन रिलीज होने थे, यानी कि या प्रोलॉग वर्जन जो कि 2022 के एंड तक रिलीज होना था और 2025 में उन्होंने रिलीज करना था फाइनल चैप्टर। लेकिन यार अब उन्होंने अपने प्लान्स में थोड़ी सी चेंजिंग किया, यानी कि यार पहले तो उन्होंने प्लान चेंज किया अनरियल इंजन 4 से अनरियल इंजन 5 में शिफ्ट करने का, और इसी के साथ साथ अब उन्होंने यार रिलीज डेट को भी चेंज कर दिया, यानी कि यार प्रोलॉग वर्जन जो कि यार 2022 के एंड तक रिलीज होना था अब उसको शिफ्ट कर दिया गया 2023 में, यानी कि यार 2023 के फर्स्ट हाफ में इस गेम को रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि यार निखिल मलंगा के मुताबिक वो गेम को रिलीज करने में बिल्कुल भी जल्द बाजी नहीं करना चाहते, बल्कि वो अपना टाइम लेना चाहते हैं और टाइम लेकर वो गेम को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, ताकि यार गेम में कोई भी गलतियां ना रहें। और ऑब्वियसली उन्होंने अनरियल इंजन 5 में शिफ्ट किया है, तो यार उनके जो पहले प्लान्स होंगे उनमें भी डिले आया होगा, और यही एक वजह हो सकती है कि भाई उन्होंने अपनी रिलीज डेट को चेंज करके 2023 की अब रिलीज डेट रखी है। हम इसको बैड न्यूज भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से लोगों के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज होगी। लेकिन यार अगर हम सोच के चले तो भाई ये काफी अच्छा फैसला है निखिल मलंगकर की तरफ से। और साथ ही साथ निखिल मलंगकर ने यार एनिमेशन एक्सप्रेस के एक इवेंट पर मुंबई गलीज के गेम प्ले को शोकेस किया था, और यार उन्होंने उसमें बहुत सारी नई नई चीजें भी हमें दिखाई, यानी कि यार हमारा जो प्लेयर है वो रिक्शा राइड ले रहा है और हमारा जो प्लेयर है वो सिनेमा जाकर टिकट खरीद कर वो यार फिल्म देख रहा है, और अपेरेंटली वो DDLJ देख रहा है, जो कि यार मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। और साथ ही साथ यार वो एक फूड स्टॉल पे भी जाता है, जहां पर यार वो मेरा ख्याल है कुछ चीजें खरीदेगा खाने पीने के लिए, लेकिन हमें उन्होंने वो चीजें खरीदते हुए तो नहीं दिखाया, लेकिन यार ये भी एक ऑप्शन उन्होंने दिखाया। लेकिन यार आप लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई कैरेक्टर कंफर्मेशन का, तो यार अभी तक उन्होंने कोई कैरेक्टर कंफर्म नहीं किया और ना ही कोई ऐसी वैसी चीज को कंफर्म किया है। ऑब्वियसली यार वो हो सकता है कि भाई हमें ऐसी चीजों को दिखाना नहीं चाह रहे होंगे अभी, वो यार अभी उस पर काम कर रहे होंगे, ताकि यार जब उस पर सारा कुछ फाइनलाइज कर ले तो उसके बाद वो हमें दिखाएं, या हमें 2022 के एंड तक कोई उसका ट्रेलर वगैरह हमें दिखा दे, ताकि यार जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि भाई मुंबई गलीज आखिर दिखने कैसी वाली है। क्योंकि यार जब मैंने अभी गेम प्ले देखा है, मैं उसको देखकर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, क्योंकि यार 6 महीने हो गए जब उन्होंने IGDC का हमें गेम प्ले दिखाया था, और उसके बाद से अब जो उन्होंने हमें गेम प्ले दिखाया उसमें ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। क्योंकि मेरे मुताबिक 6 महीनों में गेम के ऊपर काफी ज्यादा वर्क किया जा सकता था, जो कि यार हमें देखने को नहीं मिला एनिमेशन एक्सप्रेस के गेम प्ले के अंदर। और हो सकता है कि यार उन्होंने काफी ज्यादा काम कर भी लिया हो और वो हमें अभी तक ना दिखाना चाह रहे हो, ये भी एक वजह हो सकती है। जब मेहम स्टूडियोज जो कि यार अपनी पहली मोबाइल गेम को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स, जो कि यार इंडिया में सेट होगी, और उन्होंने यार 22 मई को प्ले स्टेशन के ऊपर प्री रजिस्ट्रेशन भी ऑन कर दिया। तो यार अगर आप लोग प्री रजिस्टर करना चाहते हो गेम को तो वो भी आप लोग कर सकते हो जाकर। और यार ये एक स्टोरी मोड गेम नहीं होने वाली, बल्कि यार एक बैटल रॉयल गेम होगी, जैसे कि यार BGMI है, जैसे कि यार कॉल ऑफ ड्यूटी है। तो यार इसका हमें एक ट्रेलर भी दिखाया गया, जिसमें यार हमें काफी कुछ चीजें कन्फर्म हो जाती है, और इसके ग्राफिक देखकर भाई मैं एक चीज तो कन्फर्म कह सकता हूँ कि भाई इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, अगर हम मोबाइल गेम्स को देखते हुए चले तो। यार ट्रेलर के अंदर हमें दो गैंग लीडर्स भी दिखाए गए हैं, यानी कि यार एक इंडियन कैरेक्टर दिखाया गया है और यार एक वेस्टर्न कैरेक्टर दिखाया गया है। और यार जो इंडियन कैरेक्टर है उसका नाम है त्यागी, जो कि यार वोकाल टोली गैंग का लीडर है, और दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम बोरिस है और वो यार वेलवेट गैंग का मेंबर है, जो कि यार मुझे एजेंट 47 से रिजेंबल होता नजर आया है। तो बैटल रॉयल गेम है, तो ऑब्वियसली यार ये दोनों गैंग्स आपस में बैटल भी करेंगे। और इस ट्रेलर में हमें बहुत कुछ दिखाया गया, यानी कि यार व्हीकल्स दिखाए गए हैं, वेपन्स दिखाए गए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह दिखाया गया। तो यार इन चीजों से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि भाई इस गेम में आपको व्हीकल्स भी चलाने को मिलेंगे, वेपन्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ यार आप लोग बॉम्ब वगैरह भी फाड़ सकते हो। यार जीडी ट्रिलॉजी मोबाइल एडिशन जो कि यार रिलीज होना था 2022 के मिड तक, यानी कि यार जून और जुलाई तक, अब यार उसको पुश कर दिया गया, यानी कि यार टेक टू की अभी अर्निंग कॉल हुई और उसमें यार ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि भाई जीडी ट्रिलॉजी मोबाइल एडिशन के ऊपर काम चल रहा है और उसकी यार रिलीज डेट को पुश करके 2023 पे ले जाया गया। यानी कि यार जब तक आप लोगों को मुंबई गलीज रिलीज होती नजर आएगी, उस वक्त ही आप लोगों को यार जीडी ट्रिलॉजी के मोबाइल एडिशन भी रिलीज होते नजर आएंगे, यानी कि यार दो दो की ईद हो जाएगी आप लोगों की। ऑब्वियसली यार रॉकस्टार वाले बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे, जैसे कि यार जीडी ट्रिलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन के साथ उन्होंने रिस्क लिया था और यार काफी ज्यादा बग्स और ग्लिचेस देखने को मिले थे डेफिनेटिव एडिशन के अंदर, और आज भी यार लोग जीडी ट्रिलॉजी डेफिनेटिव एडिशन को साइबर पंक 2.0 भी कहते हैं। और रॉकस्टार वाले बिल्कुल भी यार रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे और वो चाहते होंगे कि भाई जो जीडी ट्रिलॉजी मोबाइल एडिशन है वो काफी ज्यादा परफेक्ट हो और काफी ज्यादा एक्यूरेट हो, उनको यार दोबारा से वो सब चीजें फेस ना करनी पड़े जो कि यार उनको फेस करनी पड़ी थी जीडी ट्रिलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन के टाइम पर। यार ये वीडियो थी जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहता था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और यार आप लोग मुझे बताना कि भाई आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स के लिए, क्योंकि यार ये एक मोबाइल गेम होने वाली और काफी ज्यादा एक्साइटिंग गेम होने वाली। और साथ ही साथ आप लोग मुझे बताना कि भाई मुंबई गलीज के लिए आप लोग खुश हो या डिसअपॉइंटेड हो, या आप लोग यार ये चाहते हो कि भाई वो काफी
ज़्यादा टाइम लेकर गेम बनाएं ताकि यार गेम अच्छी बने, साथ ही साथ आप लोग मुझे डिटेल ट्रिलॉजी मोबाइल एडिशन के बारे में भी बताना। यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बड़े मज़े के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।